सातवें चरण में कुल पोलिंग स्टेशंस या पोलिंग बूथ्स 25,658 हैं और इनमें से 4,165 क्रिटिकल की श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र दुद्धी जिसमें बायपोल है उसमें कुल मतदाता 3,44,840 हैं, जिनमें से 1,81,250 पुरुष तथा 1,63,581 महिला मतदाता हैं और 9/3 जेंडर मतदाता हैं। विधानसभा क्षेत्र दुद्धी में 301 पोलिंग स्टेशंस हैं और जिनमें से 80 क्रिटिकल की श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं और कुल 6 प्रत्याशी इस बायपोल में मैदान में हैं। मतदान पर सतर्क दृष्टि रखने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सातवें चरण में 3 विशेष प्रेक्षक, 13 सामान्य प्रेक्षक, 8 पुलिस प्रेक्षक और 14 व्यय प्रेक्षक तैनात किए गए हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था की दृष्टि से 1,861 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 243 जोनल मजिस्ट्रेट, 130 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात हैं और प्रेक्षकों की सहायता के लिए, सामान्य प्रेक्षकों की सहायता के लिए 2,550 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए सातवें चरण में 7,258 भारी वाहन लगाए गए हैं, 5,346 हल्के वाहन और 1,08,349 मतदान कार्मिक लगाए गए हैं। इस चरण में ईवीएम के द्वारा जो वोटिंग होगा उसके लिए 31,223 कंट्रोल यूनिट, 34,280 बैलेट यूनिट और 33,366 वीवीपैट तैयार कर दिए गए हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। इस चरण में कुल मिला के 13,092 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है और ये कुल पोलिंग स्टेशंस के लगभग 50% हैं। इनका पर्यवेक्षण मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के कंट्रोल रूम से, जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों के कंट्रोल रूम से और सभी आरओस के कंट्रोल रूम से किया जाएगा। इस चरण में, सातवें और अंतिम चरण में 288 आदर्श मध्य स्थल तैयार किए गए हैं, 100 महिला, 42 दिव्यांग तथा 56 युवा कार्मिकों द्वारा प्रबंधित मध्य स्थल बनाए गए हैं। इस चरण के लिए कुल 2,47,79,548 मतदाताओं को वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप, मतदाता सूचना पर्ची, इसका वितरण कर दिया गया है। इसके अलावा मतदाताओं की जानकारी के लिए प्रत्येक परिवार में वोटर गाइड का भी वितरण किया गया है। इस चरण में 49,49,347 वोटर गाइड भी वितरित की गई हैं और जो एपिक्स का वितरण हुआ नए बने, जो 27 अक्टूबर से हमारा विशेष अभियान चला था मतदाता सूची दुरुस्त करने का, 13,30,994 एपिक्स का वितरण कराया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में जिन वोटर्स के पास अपनी पहचान स्थापित करने के लिए एपिक कार्ड उपलब्ध ना हो उनको ऑप्शन 12 डॉक्यूमेंट्स का दिया गया है, जिनके माध्यम से सभी मतदाता उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट ले जाकर अपनी पहचान स्थापित कर सकते हैं। कोई भी शिकायत दर्ज कराने के लिए हमारी टोल लाइंस है 1950, जिसपे करने पे जिले के कॉन्टेक्ट सेंटर में ये कॉल लैंड करेगी और वहां उसकी शिकायत दर्ज हो सकती है। कोई जानकारी चाहिए तो उसको जानकारी दी जा सकती है। इसके अलावा हमारी स्टेट वाइड एक हेल्पलाइन है 1800-1800-1950 जो यहाँ स्टेट कंट्रोल रूम पे लैंड करेगी, स्टेट कॉन्टेक्ट सेंटर पे, और उसको यहाँ अटेंड किया जाएगा। सी विजिल ऐप भारत निर्वाचन आयोग की एक ऐप है जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक अपनी निर्वाचन संबंधी शिकायत, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन की शिकायत लाइव वीडियो और फोटो और ऑडियो के माध्यम से दर्ज कर सकता है। सी विजिल में 16 मार्च जब निर्वाचन की घोषणा हुई थी से 31 मई तक कुल मिला के 1145 शिकायतें दर्ज हुई हैं सातवें चरण की लोकसभा क्षेत्रों में
और इनमें 842 शिकायतें सही पाई गई, 303 शिकायतें निर्वाचन से संबंधित नहीं थी। इन 842 में 803 शिकायतों का निस्तारण 100 मिनट की नियत अवधि के भीतर कर दिया गया। एवरेज जो डिस्पोजल टाइम था हमारा 48 मिनट 54 सेकंड था, जो कि नियत समावधि 100 मिनट से काफी कम है। सातवें चरण के निर्वाचन क्षेत्रों में 16 मई से लेकर 31 मई तक जो जब्ती हुई है कैश की, इलीगल इलिसिट लिकर की और ड्रग्स की, वो 37,46,00,000 रुपए की हुई है। कल मतदान प्रतिशत की जानकारी 9 बजे से प्रत्येक दो दो घंटे पे वोटर टर्नआउट ऐप के माध्यम से सभी को उपलब्ध हो पाएगी। और हमारे प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में जितने मतदाता हैं, पुरुष महिला थर्ड जेंडर कुल मतदाता, कुल मध्य स्थल यानी पोलिंग स्टेशंस और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूचना आपको अभी विज्ञप्ति के माध्यम से हम बांट देंगे। इसके अलावा हमारा मेन चैलेंज कल जो बड़ा हुआ तापमान है वो है, और उसको लेके जो प्रबंध पोलिंग स्टेशंस पे और हमारे डिस्पैच सेंटर पे करने हैं वो सभी द्वारा किए गए हैं। और आज हमारे गर्मी की वजह से एक मतदान हीट वेव से डेथ भी हुई सोनभद्र में, और मतदान कर्मियों को और मतदाताओं को गर्मी में लू से बचने के लिए हमने समय समय पे आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं कि किस प्रकार वो ऐसे प्रोटेक्टिव मेजर्स लें कि लू से बच सकें। और उम्मीद है कि गर्म मौसम के बावजूद मतदाता उत्साह के साथ उत्तर प्रदेश में कल सातवें और आखिरी चरण में